गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नए वीडियो के साथ में। और देखिए, बाल ओपन है, सैटरडे नाइट है, तो मैं हेयर ऑयलिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, कौन सा बालों के लिए बेनिफिशियल है। और ये बैठा है सक्शन, जो कि कर रहा है पढ़ाई, जो कि रियल में पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई की एक्टिंग कर रहा है। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, बहुत हंसी आ रही है। और कल इसकी ट्यूशन टीचर पढ़ा रही थी इसको, अरे चुपके चुपके गाना गा रहा था। कौन सा गाना गा रहे थे, कौन सा गाना? हाँ, मुझे बताया था इसमें क्या बात है। उधर श्रीजा भी पढ़ रही है, क्योंकि श्रीजा के एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है। और ये सक्षम तो बहुत बदमाश हो चुका है, अभी कंट्रोल में नहीं आता। अरे पहले मेरे एग्जाम आ गए थे, पहले ही पढ़ती नहीं थी। पहले दीदी नहीं पढ़ती थी, अब आप नहीं पढ़ते, तो एग्जाम के बिना भी तो पढ़ना चाहिए, एग्जाम के बिना भी तो पढ़ना चाहिए ना। एग्जाम पे ज्यादा पढ़ना चाहिए थोड़ा। तो मैं एग्जाम कब रुकेंगे? एग्जाम कभी नहीं रुकते, एक बार पढ़ाई शुरू हो जाती है तो एग्जाम चलते रहते हैं, फिर तो पढ़ना पड़ता है रोज। हां, कभी नहीं रुकते, बड़े होके भी नहीं रुकते है ना। पढ़ाई करोगे ना, गुड बॉय बनोगे, बड़े होके भी नहीं रुकेंगे। पढ़ाई से कितनी प्रॉब्लम होती है सक्षम को। तो चलिए आज आपसे अपना हेयर ऑयलिंग रूटीन शेयर करती हूँ, और जिससे कि बाल रहते हैं काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी अच्छे, काफ़ी सिल्की। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा हेयर ऑयल बताऊँगी जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है बालों के लिए। देखिए, ये है बहुत ही जाना माना इंदुलेखा ऑयल, जिसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और कहते हैं बहुत ही अच्छा है। ये सबसे बकवास तेल मेरे को लगता है, सबसे बेकार। और ये 350-400 की रेंज में आता है, बिल्कुल बेकार तेल है। तो कोकोनट ऑयल हमेशा बालों के लिए एक बेस्ट ऑयल रहा है। बस तो बस ये देखिए, इतना ऑयल मैं कोकोनट ऑयल ले लूँगी। और इसमें ये फिगारो वाला जो ऑलिव ऑयल होता है, ये बेस्ट ऑयल है बालों के लिए। आप किसी भी मौसम में लगाओ, आप इसको खाली ऑलिव ऑयल को भी लगा सकते हो, बट इसको अगर आप कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाओगे तो बेस्ट ऑयल है आपके बालों के लिए। एंड अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, तो आप यकीन मानो इससे अच्छा ऑयल आपके लिए नहीं मिलेगा। इन दोनों को मिक्स करके लगाइएगा, बहुत बेनिफिशियल। और ये पैराशूट ऑयल, जो कि कोकोनट ऑयल तो बेस्ट होता ही है स्किन के लिए, कहीं जल गया और हेयर फॉल के लिए, स्किन के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ये। तो इसकी तो मैं बड़ी कैन ला के रखती हूँ हमेशा, और तो इसमें मैं इसको मिक्स करूँगी और अपने हेयरों पे ऑयलिंग करूँगी। और ये मेरे लिए बेस्ट आइडिया है दोस्तों। तो देखिए, इसमें मैं मिला लेती हूँ ये वाला ऑयल, हाफ हाफ क्वांटिटी, मतलब अंदाज से मिला लीजिए जितना आपको सही लगे। जितना मेरे बाल ना बहुत छोटे हैं, बहुत लंबे भी नहीं हैं, तो मेरे लिए इतना काफ़ी होगा। इसको हम अपने बालों में मसाज करेंगे। तो कभी भी आप ऑयल लगाते हो तो अपने ये फिंगर के टिप्स को इनको करके अपने बालों में लगाइएगा। तो दोस्तों, मैं अपने बालों में कर रही हूँ हेयर ऑयलिंग, और हेयर ऑयलिंग करते समय बाल हो जाते हैं चिपकू चिपकू, आपके भी हो जाते होंगे। एंड यही हेयर ऑयल है जो मैं श्रीजा के बालों में फॉलो करती हूँ।
एंड फैमिली में सभी के बालों में हम लोग यही हेयर ऑयल लगाते हैं, काफ़ी अच्छा है। हाँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत बेनिफिशियल है बालों के लिए। एंड आपके बालों में स्कैल्प में अगर कोई एलर्जी टाइप है या कुछ स्किन प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करते हैं कोकोनट ऑयल में, बहुत बेनिफिशियल होता है बालों के लिए। एंड जो आलमंड ऑयल है वो तो बेस्ट है हमेशा। अगर आपका भी हेयर फॉल हो रहा है और आपको लग रहा है कि कौन सा ऑयल यूज़ करूँ क्या करूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये ऑयल है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करते हो तो मेरे को ज़रूर बताना। तो चलिए हेयर ऑयलिंग करते हैं, सैटरडे का दिन है, कल को करेंगे शैम्पू। तो आई थिंक आप लोग भी रूटीन फॉलो करते होंगे। और शीजा इज सेइंग हेलो। एंड मुझे लगता है कि एक दिन सैटरडे संडे तो ऐसा होता है, मतलब संडे तो हेयर वॉश करने, तो सैटरडे तो ऐसा दिन हम लोगों को बना ही लेना चाहिए कि एक दिन हम हेयर ऑयलिंग बालों में करें। क्योंकि देखिए दिन में बालों में तेल लगा के घूमना कुछ अजीब सा मैसी लगता है, कुछ अच्छा सा नहीं फील होता। अभी देखो मेरे को कैसा लग रहा है, लेकिन ठीक है यार, आपने बालों में अच्छा सा पोर्शन मिल जाएगा बालों को, सुबह को उनको वॉश कर लेंगे। हाँ अभी लगाऊंगी आपको, सुबह उनको वॉश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग भी वीक में कितने बार अपने बालों में ऑयल लगाते हो, आप लोग कौन सा ऑयल लगाते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोग का हेयर फॉल हो रहा है, हेयर प्रॉब्लम कुछ भी हो रही है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट करके नहीं, मतलब ये वाला ऑयल यूज़ कीजिएगा, आई थिंक आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बाय।